अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अब्बास आमिर व्लॉग। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं EPCA ग्राउंड नंबर 6 हाईवे 6 पे, जहां पर आज बेहतरीन मैच होने वाला है EPCA एक्सपर्टीज T20 ब्लास्ट टूर्नामेंट का फाइनल प्रीमियर डिवीज़न का, जिसमें दोनों टीमें बेहतरीन और तगड़ी टीमें हैं, जिसमें पाक सऊदी वर्सेस फायर ऑक्स CC के दरमियान ये मैच खेला जाएगा। तो हमारी पूरी कोशिश होगी इस मैच की अच्छी से अच्छी कवरेज करें और आपके सामने पेश करें। एक दफ़ा फिर तमाम रिक्वेस्ट है तमाम नए आने वाले मेरे व्यूवर्स से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। चलें, आइए मैच को एंजॉय करते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त मौजूद हैं EPCA ग्राउंड हाईवे 6 पे, जहाँ पे फाइनल खेला जा रहा है फायर ऑक्स और पाक सऊदी क्रिकेट क्लब के दरमियान T20 समर ब्लास्ट एक्सपर्टीज का फाइनल है। पाक सऊदी ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया है और बॉलर हैं इस वक्त आतिफ राना। आला शॉट और मिस फील्ड हुई, एक रन बन सकेगा। लारा एक फिर आए, एम्पायर क्रॉस किया बॉल की और लारा का बहुत ही आला शॉट, यकीनी 4 रन। पांव पे बॉल की और फ्लिक किया उसको बहुत जबरदस्त तरीके से लारा ने। फिर बॉलिंग के लिए तैयार, आए एम्पायर क्रॉस किया बॉल की और बहुत आला बॉल आतिफ का, बहुत तेज बॉल था, हेलमेट पे लगा है बॉल मेरे ख्याल से इस वक्त कयूम के। नए आने वाले बॉलर है शॉट कहीं उनका, यकीनी 4 रन होंगे, फील्डर है बॉल के पीछे लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे और 4
स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन मगर किसी नुकसान के। फिर बॉलिंग के लिए तैयार, दौड़ते हुए एम्पायर क्रॉस किया बॉल की और कहीं पर बेहतरीन उठता हुआ शॉट देखना है, ये एम्पायर का इशारा 6 रन, बहुत आला शॉट कयूम का, एक्सीलेंट सिक्स। इससे पहले पिछले ओवर में बाउंसर मारा था आतिफ ने और हेलमेट पे लगी थी कयूम के, और कयूम ने उसका बेहतरीन रिटर्न किया। इस वक्त स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन्स। आतिफ एक दफा फिर बॉलिंग के लिए तैयार, दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस किया बॉल की और एक और अच्छा बॉल आतिफ का, लेकिन उतना ही अच्छा शॉट कयूम का और यकीनी 4 रन। सीधा स्ट्रेट पे बाउंड्री हासिल की इस वक्त कयूम ने, स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन। तीसरे ओवर खेल जा रही है बगैर किसी नुकसान के। आतिफ एक दफा फिर बॉलिंग के लिए तैयार, दौड़ते हुए आए एम्पायर को क्रॉस किया बॉल की और कयूम का शानदार शॉट, उतनी आला फील्डिंग अलवी की जानिब से, वकास अलवी बेहतरीन फील्डिंग की और यकीनी बाउंड्री सेव करी। स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन 3 ओवर के अख्ताम पे बगैर किसी नुकसान के। एक दफा फिर बॉलिंग करने के लिए तैयार, आसिफ आए एम्पायर को क्रॉस किया बॉल की और लारा का एक अच्छा शॉट और आसिफ की उतनी ही अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं बन सकेगा। EPCA एक्सपर्टीज T20 ब्लास्ट टूर्नामेंट का फाइनल इस वक्त खेला जा रहा है फायरॉक्स और पाक सऊदी के दरमियान। आसिफ आए एम्पायर को क्रॉस किया बॉल की और एक और अच्छा बॉल आसिफ का, कोई रन नहीं बन सकेगा। आसिफ एक दफ़ा फिर बॉलिंग के लिए तैयार, सामना करेंगे कयूम और लेग स्टंप पे था बॉल और भरपूर फ़ायदा उठाया कयूम ने उसका और यकीनी 4 रन हासिल किए। स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन बगैर किसी नुकसान के पाक सऊदी का। आसिफ आए बॉल की, अच्छा बॉल आसिफ का, कॉट डॉट बॉल। आसिफ आए एम्पायर क्रॉस किया बॉल की और अच्छा बॉल आसिफ का, 4 ओवर के अख्ताम पे 34 रन बगैर किसी नुकसान के पाक सऊदी। नए आने वाले बॉलर हैं फलक, सामना करेंगे साद लारा। फलक आए बॉल की और एक अच्छा शॉट खेल सकते थे लेकिन सही से कनेक्ट नहीं हो पाया बैट से बॉल, तो एक ही रन बन सकेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 35, 5वें ओवर खेल जा रही है। फलक एक दफा फिर बॉलिंग के लिए तैयार, सामना करेंगे कयूम। फलक आए बॉल की, कयूम का बेहतरीन शॉट स्ट्रेट की जाने, फील्डर नहीं पहुंच पाए और यकीनी 4 रन, बेहतरीन शॉट फलक की जानिब से। स्कोर बढ़ता हुआ 39 बगैर किसी नुकसान के फायरॉक्स। फलक बॉलिंग के लिए तैयार, सामना करेंगे कयूम। फलक आए बॉल की और बेहतरीन बॉल और उतना ही आला कैच, इफ्तिखार के हाथों में सीधी बॉल और पहली विकेट का नुकसान कयूम की सूरत में। कयूम आउट हो गए पवेलियन में वापस, 39 रन के स्कोर पर पहली विकेट पाक सऊदी की, कयूम आउट हो गए पवेलियन में वापस। चलिए नए आने वाले बैट्समैन है शुएब, सामना करेंगे फलक का। फलक बॉलिंग के लिए तैयार, आए एम्पायर क्रॉस किया बॉल की और एक अच्छा शॉट और गैप में निकल गया बॉल। हासिल किए इस वक्त और 42 रन बढ़ता हुआ स्कोर एक विकेट के नुकसान पे पाक सऊदी का और 5वें ओवर खेल इख्तिताम पर पहुंचा। छठा ओवर आसिफ भाई का, ये तीसरा ओवर है, दो रन के 3 इनिंग नहीं का तीसरा है। आसिफ आए बॉलिंग करी और अच्छा बॉल आसिफ का, एक रन बन सकेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन। आसिफ आए एम्पायर क्रॉस किया बॉल की और खतरनाक साबित हो सकता था यार लारा के लिए, बॉल डॉट हाँ एम्पायर क्रॉस किया बॉल की और लारा का एक शानदार शॉट उठता हुआ सीधा बाउंड्री की जाने, फील्डर पहुंच पाएंगे और बहुत ही आला फील्डिंग इस वक्त आतिफ की जानिब से, यकीनी बाउंड्री सेव करी, दो ही रन बन सके। स्कोर बढ़ता हुआ 46। एम्पायर क्रॉस किया बॉल की, एक और अच्छा बॉल आसिफ का, ओवर का अख्ताम पावर प्ले का अख्ताम और 47 रन इस वक्त पाक सऊदी एक विकेट के नुकसान पे। शानदार बॉलिंग का मुजाहरा फायरॉक्स की जानिब से,
मैदान आए, फायर क्रॉस किया, बॉल की और बहुत आला बॉल हसन का, लारा बीट हुए, कोई रन ना बन सका। हसन एक दफा फिर बॉलिंग के लिए तैयार, सामना करेंगे लारा, साथ लारा। हसन आए, फायर क्रॉस किया, बॉल की और लारा का एक शानदार शॉट, कोई नहीं रोक पाएगा नाजरीन इसको, यकीनी चार रन। बहुत आला बैटिंग लारा की जाने से, स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन। पाक सऊदी एक विकेट के नुकसान पे, हसन एक दफा फिर बॉलिंग के लिए तैयार, सामना करेंगे लारा। हसन आए बॉल की, लारा का एक और शानदार शॉट, बॉल की और लारा के सामने स्ट्रेट पे सीधा शॉट, फील्डर पहुंच पाते हैं या नहीं, और नहीं पहुंच पाए, और यकीनी चार रन, स्कोर बढ़ता हुआ 61 रन। पाक सऊदी एक विकेट के नुकसान पर। अच्छा जी, आठ नंबर करने के लिए आए हैं आसिफ, बॉल आसिफ आए, पैर क्रॉस किया, बॉल की अच्छा बॉल आसिफ का, और शोएब ने बहुत तेजी से एक रन हासिल किया। बहुत ज़बरदस्त बॉल कर रहे हैं आसिफ इस वक्त, बेहतरीन लाइन ऑफ लेंथ बॉलिंग के लिए तैयार, सामना करेंगे साथ लारा। अच्छा शॉट खेला है, लेकिन फील्डर हैं बहुत तेजी से बॉल के ऊपर आए हैं, और उतनी आला फील्डिंग, और दो रन यकीनी तौर पर हासिल किए, स्कोर बढ़ता हुआ 63 रन। कान बंद हो गया आसिफ, एक दफा फिर आए, एम्पायर क्रॉस किया, बॉल की और बहुत ही आला बॉल आसिफ का, बिल्कुल नहीं समझ पाए लारा। आसिफ एक दफा फिर आए, एम्पायर क्रॉस किया, बॉल की और अच्छा बॉल, लेकिन बहुत ही आला फील्डिंग इफ्तिखार की जाने, स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन। पाक सऊदी एक विकेट के नुकसान पर। आठ ओवर के इख्तिताम पे 66 रन है, 66 रन। नए आने वाले बॉलर हैं उमर, सामना करेंगे शोएब। 9 ओवर करने के लिए आए हैं उमर, बेहतरीन बॉलर हैं उमर भी, अच्छी लाइन लाइन पर बॉल करते हैं उमर। एक दफा दौड़ते हुए आए, एम्पायर क्रॉस किया, बॉल की और एक अच्छा शॉट, लेकिन एक ही रन बन सकेगा, फील्डर मौजूद, स्कोर बढ़ता हुआ 67 रन। 8.1 ओवर का गेम हो चुका है, बॉलिंग के लिए तैयार, दौड़ते हुए आए, एम्पायर क्रॉस किया, बॉल की और लारा का एक अच्छा ड्राइव शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद और मिस फील्ड हुई नाजरीन, और यकीन चार रन होंगे। फायरॉक्स को ये रन सेव करने होंगे, लेकिन आगे जाके बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं इनके लिए। ये स्कोर बढ़ता हुआ 71 रन। मैं एक दफा फिर बॉलिंग के लिए तैयार, सामना करेंगे शोएब। उमर आए, बॉल की और बहुत आला बॉल उमर का, शोएब बिल्कुल नहीं समझ सके, क्रॉस किया, बॉल की और बेहतरीन शॉट शोएब की जानिब से, यकीनी चार रन, अच्छा कट शॉट खेला उन्होंने, और स्कोर बढ़ता हुआ इस वक्त 76 रन। हमारा खेल जारी है, काफ़ी पीछे बॉल किया था उमर ने, तो चाहिए उमर एक दो फिर बॉलिंग लेते हैं। आए बॉल की और बहुत ही आला बॉल, और उतना ही अच्छा खेला उसको शोएब ने, फील्डर है मौजूद, लेकिन बहुत ही तेज़ी से दो रन हासिल किए, बहुत आला रनिंग बिटवीन द विकेट, स्कोर बढ़ता हुआ 78 रन। पाक सऊदी बहुत शानदार बैटिंग दोनों बैट्समैनों की जानिब से, साथ लारा और शोएब, नए आने वाले बॉलर हैं वकास। आए बॉल की और लारा का एक अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद, एक ही रन बन सकेगा, बहुत आला बॉलिंग करते हैं वकास अलवी, बेहतरीन लाइन ऑफ लेंथ पर। वकास अलवी एक दो फिर बॉलिंग के लिए तैयार, आए बॉल की, अच्छा बॉल, एक ही रन बन सकेगा, आए बॉल की और काफ़ी पीछे था बॉल, और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया शोएब ने, यकीनी चार रन, बेहतरीन शॉट शोएब की जानिब से, स्कोर बढ़ता हुआ 85 रन। 10वें ओवर का खेल जारी है नाजरीन, कासिक दौर पर आए, पैरों क्रॉस किया, बॉल की और एक उठता हुआ शॉट, आउट होने का खतरा है, और कैच लेने में कामयाब, और वकास विकेट लेने में कामयाब, बहुत ही कीमती विकेट, साथ लारा आउट हो गए पवेलियन में वापस, शानदार बैटिंग कर रहे थे, बहुत बड़ा टच का नुकसान इस वक्त पाक सऊदी को, 86 के स्कोर पे दूसरी विकेट का नुकसान, बहुत ही आला एक्सपीरियंस बॉलिंग वकास अलवी की, और उतना ही शानदार कैच इफ्तिखार का। हालांकि
नए आने वाले बॉलर आए, एम्पायर को क्रॉस किया बॉल की, बहुत ही आला बॉल फलक की जानिब से, शोएब बिल्कुल नहीं समझ पाए, बॉल एकदम अंदर आया नाजरीन, बॉलिंग के लिए तैयार आए, एम्पायर को क्रॉस किया बॉल की, नासिर ने बहुत ही शानदार तरीके से उसको खेला, नासिर बहुत अच्छे बैट्समैन है, फलक आए एम्पायर को क्रॉस किया बॉल की, और अच्छा बॉल फलक का बेहतरीन लाइन पर बॉल करते हुए इतने अच्छे से नासिर ने उसको खेला, स्कोर बढ़ता हुआ 89 रन, 11वें ओवर का अख्ताम, 2 विकेट के नुकसान, वकास एक दफा फिर सामना करेंगे नासिर, वकास आए बॉल की, नासिर एक और डॉट बॉल, बहुत आला बॉलिंग इस वक्त वकास अलवी की जानिब से, बेहतरीन जगह बनाई है और शॉट खेल दिया है इस वक्त नासिर ने, यकीनी 4 रन, बेहतरीन शॉट नासिर की जानिब से, नासिर एक दफा फिर सामना करेंगे वकास का, वकास है और अच्छा बॉल वकास का, बिल्कुल नहीं समझ पाए नासिर, क्या 11वां ओवर का देखा हमने, बारिश सही है, शानदार शॉट शोएब का, यकीनी 4 रन हासिल किए उन्होंने इस वक्त, स्कोर बढ़ता हुआ 103 रन, फिर बॉलिंग के लिए तैयार आए बॉल की, और शानदार शॉट इस वक्त शोएब का हवा में, और यकीनी 6 रन होंगे, बेहतरीन छक्का, काफ़ी देर के बाद एक सिक्स देखने को मिला है, स्कोर बढ़ता हुआ 109 रन, 13 ओवर के अख्ताम, एक दफा फिर बॉलिंग के लिए तैयार, सामना करेंगे नासिर, वकास आए बॉल की, और बहुत ही ख़तरनाक बॉल, और LBW की अपील, बट काफ़ी भार था बॉल, बेहतरीन से सामना करेंगे वकास, वकास आए बॉल की, नासिर का शानदार शॉट, हवा में है बॉल, और यकीनी 6 रन, बेहतरीन शॉट नासिर की जानिब से, स्कोर बढ़ता हुआ 112 रन, 14 ओवर की जारी है, स्टंप पे था और उसको खेल दिया है फाइन लेग की जाने, लेकिन फील्डर मौजूद, और बहुत ही तेजी से दूसरा रन भी हासिल किया, स्कोर बढ़ता हुआ 119 रन, 14वें ओवर के इंतजाम में, आते एक दफा फिर बॉलिंग के लिए तैयार आए बॉल की, और बहुत ही आला ड्राइव शॉट शोएब नासिर की जानिब से, रन तेजी से हासिल किया, और उतनी ही आला फील्डिंग, बहुत आला फील्डिंग का मुजाहरा इस वक्त मुन्ना की जानिब से, मनान मुन्ना दौड़ते हुए आए, पैरों क्रॉस किया बॉल की, और बहुत ही अच्छी और गलत बॉल थी, 2 रन काफ़ी तेज़ी से हासिल किए, सोलवा ओवर करने के लिए आए वकास अलवी, आए बॉल की, और नासिर का एक शानदार शॉट, हवा में है बॉल, और यकीनी 6 रन हासिल किए, बेहतरीन बेहतरीन शॉट इस वक्त, वकास आए फायर क्रॉस किया बॉल की, और एक अच्छा शॉट, यकीनी 6 रन होंगे, ये भी बहुत आला बैटिंग इस वक्त नासिर की जानिब से, हसन एक दफा फिर बॉलिंग के लिए तैयार, सामना करेंगे नासिर, हसन आए बॉल की, अच्छा बॉल, नासिर बिल्कुल नहीं समझ पाए, कोई रन नहीं बन सकेगा, डॉट बॉल हुई, हसन एक दफ़ा फिर आए बॉल की, और शानदार शॉट शोएब का, उठता हुआ हवा में है, और अच्छी कोशिश, और बहुत आला कैच, बहुत ही आला कैच लिया है, एक्सीलेंट कैच मुन्ने ने लिया इस वक्त, मन्नान ने, बेहतरीन बैट्समैन और बेहतरीन फील्डर भी आज साबित हुए, हसन बॉल के लिए तैयार, सामना करेंगे नासिर, हसन आए बॉल की, और नासिर को बोल्ड कर दिया, नासिर उसको लेग स्टंप की जानिब खेलना चाहते थे फाइन लेग के ऊपर से, लेकिन बोल्ड हुए, और पवेलियन में वापस शानदार बैटिंग इस वक्त नासिर की जानिब से, बहुत बड़ा नुकसान पाक सऊदी को, नए आने वाले बैट्समैन साकिब सामना करेंगे हसन का, हसन बॉलिंग के लिए तैयार, आए मैरो क्रॉस किया बॉल की, और अच्छा बॉल इस वक्त हसन का, एक रन हासिल किया, और एक और रन ओवर थ्रो का हासिल किया, और आसिफ मुगल ने बहुत शानदार फील्डिंग इस वक्त की, यकीनी बाउंड्री सेफ की, फलक आए
कि अच्छा शॉट लेकिन एक ही रन बन सकेगा। फील्डर हैं आतिफ और फंबल हुआ बॉल और दूसरा रन भी आसानी से हासिल किया। बहुत सारा रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैनों की जानिब से सामना करेंगे। साकिब फलक आए बॉल की, साकिब का एक उड़ता हुआ शॉट हवा में है, फलक और फलक कैच लेने में कामयाब, बेहतरीन। आसिफ हसन आए बैरो क्रॉस किया बॉल की और आसिफ का एक अच्छा शॉट स्ट्रेट की जाने, लेकिन फील्डर मौजूद और बहुत ही आला फील्डिंग, उतनी ही आला चलो। स्कोर बढ़ता हुआ 155 रन और नाजिम 19 ओवर में 159 इस वक्त हो चुका है स्कोर फायरॉक्स का, ओ सॉरी पाक सऊदी का। आखिरी ओवर करने के लिए आए आतिफ, आतिफ बॉलिंग के लिए तैयार, दौड़ते हुए आए बैरो क्रॉस किया बॉल की, अच्छा बॉल और इतना ही अच्छा शॉट शहबाज का और बहुत ही आला फील्डिंग वकास अलवी की, एक ही रन बन सकेगा। स्कोर पड़ता हुआ 160 रन। आतिफ आए बॉल की और बोल्ड कर दिया आतिफ ने, बेहतरीन बॉलिंग आतिफ की जानिब से। आखिरी ओवर खेल जा रही है नाजरीन और आसिफ को बोल्ड किया उन्होंने, बेहतरीन बॉल। रुक जा यार तू, पहले इनिंग का इख्तिताम नाजरीन फायरॉक्स की जानिब से। स्कोर सिर्फ 2 रन बना सके, पहले विकेट का नुकसान फायरॉक्स को, सिर्फ 4 रन के स्कोर पे शहबाज ने आने वाले बैट्समैन ने फलक। शहबाज आए बॉल की और बहुत ही आला शॉट इस वक्त बिलाल का, कोई फील्डर नहीं रोक पाएगा इस बॉल को, यकीनी 4 रन। बिलाल बाली बेहतरीन बैट्समैन है, शहबाज बॉलिंग के लिए तैयार, सामना करेंगे बिलाल शहबाज और बहुत ही आला शॉट बिलाल का, एक और चौका, बहुत आला बैटिंग का मुजाहरा इस वक्त बिलाल की जानिब से। स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन पहले ओवर के अख्तितम पे, एक विकेट का नुकसान फायर वाले बॉलर हैं नासिर, सामना करेंगे फलक। दूसरा ओवर करने के लिए आए नासिर, नासिर आए पैरों क्रॉस किया बॉल की और फलक का एक अच्छा ड्राइव शॉट, फील्डर हैं देखते हैं बॉल तक पहुँचते हैं नहीं और बॉल गए बसानी, शुएब थे फील्डर, बहुत ही आला फील्डिंग और उतनी ही आला थ्रो, 2 रन हासिल किए। स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन एक विकेट के नुकसान पे, नासिर एक दफा फिर बॉलिंग के लिए तैयार, सामना करेंगे बिलाल। नासिर आए बॉल की और फुल टॉस बॉल था, बाहर का इशारा नो बॉल, नासिर बॉल करेंगे फ्री हिट है। नासिर आए बॉल की और फलक का एक अच्छा शॉट लेकिन एक ही रन बन सकेगा, एडवांटेज नहीं उठा सके फ्री हिट का। अच्छा बॉल और बिलाल ने बहुत अच्छे तरीके से उसको कट किया और ये बॉल इधर ही आई, शहबाज एक दफा फिर सामना करेंगे बिलाल। शहबाज आए बॉल की, बिलाल का बेहतरीन शॉट और शुएब से मिस हुआ कैच, कैच ड्रॉप किया और सीधा बाउंड्री लाइन की तरफ बॉल और 4 रन भी हासिल किए फायरॉक्स ने। शहबाज एक दफा फिर बॉलिंग के लिए तैयार, सामना करेंगे बिलाल। शहबाज आए पैरो क्रॉस किया बॉल की और अच्छा बॉल, एक और चांस मिला है बिलाल को, यकीनी कॉट में आइंड था, साकिब से कैच मिस हुआ और ये काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है पाक सऊदी को। नासिर बॉलिंग के लिए तैयार, सामना करेंगे फलक। नासिर आया बॉल की, अच्छा बॉल नासिर का, फलक ने उसने अच्छे तरीके से उसको खेल दिया, शुएब है फील्डर और बहुत ही आला फील्डिंग, एक ही रन बन सकेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन, नए आने वाले बॉलर हैं आसिफ और
देखते हुए एम्पायर क्रॉस किया बॉल की और नो बॉल का इशारा और बेहतरीन शॉट इस वक्त बिलाल की जानिब से, यकीनी 4 रन हासिल किए, 5 रन इस बॉल पे आ गए नाजरीन और स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। 5 ओवर की पहली बॉल जो कि नो बॉल हुई और 5 रन हासिल हुए इसके ऊपर, फिर आए बॉल की और बिलाल का एक और शानदार शॉट, फील्डर पहुंच नहीं पाएंगे बॉल तक, यकीनी 4 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन, 2 बॉलों में 9 रन आ चुके हैं नाजरीन। आसिफ एक दफ़ा फिर बॉल करने के लिए आए बॉल की, बिलाल का एक और अच्छा शॉट लेकिन शहबाज ने फील्डर और शहबाज से भी मिस फील्डिंग हुई नाजरीन, 1 रन हासिल किया और बहुत आला बाउंड्री रोकने में कामयाब, 2 रन बन चुके हैं और 3रे रन के लिए भी दौड़ गए हैं फलक और तो 3 रन हासिल किए, मिस फील्ड हुई और 3 रन हासिल किए इस वक्त फायरॉक्स ने, स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन। 5 ओवर का अख्ताम, 6 ओवर करने के लिए आए हैं नासिर, सामना करेंगे फलक, नासिर आए बॉल की, एक और अच्छा शॉट फलक का और बहुत ही आला फील्डिंग इस वक्त, 1 ही रन बन सकेगा, स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन, 1 विकेट के नुकसान पे फायरॉक्स और नासिर एक दफा फिर बॉलिंग के लिए तैयार, सामना करेंगे फलक, नासिर आए बॉल की, फलक का एक अच्छा का शॉट और गैप में नाजरीन, यकीनी 4 रन, कोई फील्डर नहीं रोक पाएगा इसको, स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन। फायरॉक्स नए आने वाले बॉलर हैं उमेर दुर्रानी, बॉल की अच्छा बॉल उमेर का, ऑफ स्टंप से बीट हुए फलक, पुरानी आए एक दफा फिर पैरों क्रॉस किया बॉल की और बिलाल का शानदार ड्राइव शॉट, फील्डर हैं और बहुत ही आला फील्डिंग, यकीनी बाउंड्री सेफ की और 2 रन हासिल किए बिलाल ने, स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन। नासिर आए बॉल की, बिलाल का शानदार शॉट, उतनी आला फील्डिंग कयूम, एक्सीलेंट फील्डिंग कयूम की जानिब से, दुरानी का ओके, सामना करेंगे फलक, दुरानी आए बॉल की और बेहतरीन बॉल दुरानी का, फलक बिल्कुल नहीं समझ पाए, सीधी डंडों में और बोल्ड कर दिया इस वक्त फलक को, शानदार बॉलिंग का मुजाहरा दुरानी की जानिब से, दूसरे विकेट का नुकसान इस वक्त फायरॉक्स को, दुरानी एक दफा फिर सामना करेंगे मनान, अच्छा बॉल दुरानी का, मनान ने बहुत अच्छे तरीके से उसको स्टॉप किया, एक और डॉट बॉल, दुरानी आए बॉल की और बेहतरीन शॉट बिलाल का, कोई नहीं रोक पाएगा इसे, बेहतरीन कवर ड्राइव, यकीनी 4 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 77 रन, फायरॉक्स 2 विकेट के नुकसान पे, नासिर का, नासिर आए एम्पायर क्रॉस किया बॉल की और अच्छा शॉट बिलाल का, गैप में खेला है, 1 रन आसानी से हासिल किया और 2रे रन के लिए भी आराम से कंप्लीट किया उन्होंने, स्कोर बढ़ता हुआ 79, 2 विकेट के नुकसान, रानी बॉलिंग के लिए तैयार, आए बॉल की, बिलाल का एक अच्छा शॉट लेकिन फील्डर मौजूद है और 2 रन आसानी से हासिल किए, स्कोर बढ़ता हुआ 83 रन, आए बॉल की और एक अच्छा शॉट बिलाल का, 1 रन हासिल किया, 2रे रन के लिए भी जाएंगे और शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैनों की जानिब से, 2 रन हासिल किए, स्कोर बढ़ता हुआ 84 रन, रानी आए एम्पायर क्रॉस किया बॉल की और अच्छा शॉट बिलाल का, बेहतरीन शॉट और यकीनी 4 रन होंगे, ये नहीं रोक पाएंगे इसे फील्डर और स्कोर बढ़ता हुआ 88 रन, तो फिर आए एम्पायर क्रॉस किया बॉल की, बिलाल का शानदार शॉट लेकिन फील्डर मौजूद, 1 ही रन बन सकेगा, बहुत ही आला फील्डिंग और उतनी ही आला थ्रो, स्कोर 100 रन कंप्लीट हुए इस वक्त फायरॉक्स के, दुरानी का फिर सामना करेंगे मन्नान, दुरानी आए बॉल की, मन्नान का एक और अच्छा शॉट लेकिन 1 ही रन बन सकेगा, स्कोर बढ़ता हुआ 101 रन, शानदार बॉलिंग इस वक्त दुरानी की, जानी एक दफा फिर सामना करेंगे बिलाल, दुरानी आए बॉल की और बिलाल एक दफा फिर उस लेग स्टंप की जानिब खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए, सॉरी डॉट हुआ बॉल, दुरानी एक दफा फिर आए एम्पायर क्रॉस किया बॉल की, बिलाल का एक अच्छा शॉट स्ट्रेट की जानिब, 1 रन आसानी से हासिल किया और 2रे रन भी लेने में कामयाब, स्कोर बढ़ता हुआ 103 रन,
बॉक्स, दो विकेट के नुकसान पे। नासिर सामना करेंगे मनान, नासिर आए बॉल की, मनान का एक अच्छा ड्राइव शॉट, फील्डर है आसिफ और बहुत आला फील्डिंग आसिफ की जाने से, एक ही रन बन सके। नासिर एक दफा फिर सामना करेंगे मनान, नासिर आए बॉल की और लेग स्टंप से बाहर, यकीनी वाइड बॉल होगी और कीपर से भी मिस हुई, तो ये दो रन हासिल किए और तीन रन दौड़ के हासिल किए और एक रन, चार रन इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ 109 रन। नासिर आए, एम्पायर क्रॉस किया बॉल की और एक अच्छा ड्राइव शॉट उमर का, उमर का उतनी आला फील्डिंग साथ लारा की जानब से बेहतरीन थ्रो, स्कोर बढ़ता हुआ 110 नासिर आए, एम्पायर क्रॉस किया बॉल की और मनान ने बॉल खड़ी कर दी है, आसिफ है और आसिफ ने बहुत आला कैच ले लिया है नाजरीन, बहुत ही बड़ी विकेट इस वक्त, बहुत शानदार विकेट इस वक्त पाक सऊदी ने हासिल की है नाजरीन, मन्नान आउट हो गए पवेलियन में वापस, बहुत बड़ा नुकसान इस वक्त फायर ऑक्स को। नासिर एक दफा फिर सामना करेंगे मन्नान, नासिर आए बॉल की और लेग स्टंप से बाहर, यकीनी वाइड बॉल होगी और कीपर से भी मिस हुई, तो ये दो रन हासिल किए और तीन रन दौड़ के हासिल किए और एक रन, चार रन इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ 109 रन। नासिर आए, एम्पायर क्रॉस किया बॉल की और एक अच्छा ड्राइव शॉट उमर का, उमर का उतनी आला फील्डिंग साथ लारा की जानिब से बेहतरीन थ्रो, स्कोर बढ़ता हुआ 110 14 ओवर। नासिर आए, एम्पायर क्रॉस किया बॉल की और मनान ने बॉल खड़ी कर दी है, आसिफ है और आसिफ ने बहुत आला कैच ले लिया है नाजरीन, बहुत ही बड़ी विकेट इस वक्त, बहुत शानदार विकेट इस वक्त पाक सऊदी ने हासिल की है नाजरीन, मनान आउट हो गए पवेलियन में वापस, बहुत बड़ा नुकसान इस वक्त फायर ऑक्स को। नए आने वाले बैट्समैन हैं अब उमर, सामना करेंगे नासिर का, नासिर आए बॉल की और एक अच्छा गलमंदी से सिंगल हासिल किया उमर ने, शानदार बॉलिंग इस वक्त नासिर की जानिब से 14वें ओवर का अख्तिताम, स्कोर बढ़ता हुआ 111 रन। आसिफ आए बॉल की और बेहतरीन शॉट इस वक्त उमर की जानिब से और दूसरे रन के लिए भी दौड़े हैं और दो रन कंप्लीट किया आसानी से, स्कोर बढ़ता हुआ 112 रन। कहाँ जा रहे हो सिद्दीकी साहब? आसिफ एक दो फिर सामना करेंगे उमर, आसिफ आए बॉल की, उमर ने एक और अच्छा शॉट खेला, एक रन आसानी से हासिल किया और दूसरे रन के लिए भी दौड़े हैं और दो रन आसानी से हासिल किए, अगर डायरेक्ट बॉल लगती तो शायद ये आउट हो सकते थे उमर, लेकिन बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैनों की जानिब से, स्कोर बढ़ता हुआ 114 रन। आसिफ एक दफा फिर बॉलिंग के लिए तैयार आए, एम्पायर क्रॉस किया बॉल की और शहजाद बीट हुए, नहीं समझ आए सके बॉल को, बहुत आला बॉलिंग आसिफ की जानिब से, आसिफ आए एम्पायर क्रॉस किया बॉल की और उमर का अच्छा शॉट, फील्डर है शहबाज और बहुत तेज़ी से दो रन हासिल किए, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, स्कोर बढ़ता हुआ 117 रन। शानदार ओवर आसिफ का, सिर्फ 7 रन दिए हैं, 18 हो गए, नासिर आए बॉलिंग करने के लिए, नासिर आए बॉल की और बीट हुए, इसमें दो ही है और बहुत आला बॉलिंग नासिर की जानिब से, एक और डॉट बॉल, बेहतरीन मैच इस वक्त किसी ग्राउंड नंबर 6 पे होता हुआ फाइनल मैच प्रीमियर डिवीजन का। नासिर आए बॉल की और उमर का और बहुत आला फील्डिंग, जितना अच्छा शॉट उतनी आला फील्डिंग शहबाज की जानिब से, एक ही रन बन सकेगा। नाजरीन इस वक्त मैच बड़े सनसनी खेज मराइल में दाखिल हो गया है, 24 बॉलों पे 47 रन चाहिए फायर ऑक्स को, शहबाज आए बॉल करने के लिए,
शहबाज आई एम्पायर क्रॉस किया बॉल की और अच्छा बॉल फुल टॉस नहीं बना सके उसको सही से फुल टॉस बॉल था एक ही रन हासिल किया स्कोर बढ़ता हुआ 124 रन उमेर अब सामना करेंगे शहबाज का शहबाज आए एम्पायर क्रॉस किया बॉल की और एक अच्छा ड्राइव शॉट उमर का गैप में है फील्डर दो रन आसानी से हासिल किए बहुत आला रनिंग दोनों बैट्समैनों के दरमियान स्कोर बढ़ता हुआ 126 रन 22 बॉलों पे नदीम भाई 22 पे 44 सामना करेंगे उमेर शहबाज आए बॉल की और बहुत आला बॉल शहबाज का बिल्कुल नहीं समझ पाया उमेर डॉट बॉल मैच बड़ी ख़तरनाक उस वक्त नाजरीन पोजीशन में आ चुका है दोनों टीमें 50-50 किसी की कोई भी टीम ये मैच विन कर सकता है शहबाज एक दफ़ा फिर बॉलिंग करेंगे सामना करेंगे शहजाद शहबाज आए एम्पायर क्रॉस किया बॉल की और एक फुल टॉस बॉल था लेकिन एक ही रन बन सकेगा फील्डर मौजूद एक ही रन बन सकेगा नासिर बहुत आला लाइन और लेंथ पर बॉल करते हुए इस वक्त पाक सऊदी के बॉलर्स शहबाज बेहतरीन ओवर शहबाज की जानिब से 38 रन रह गए नाजरीन अब और 18 बॉलें बाकी है मिस्टर नदीम और नाजरीन इस वक्त 18 बॉलों पे 39 रन चाहिए फायरॉक्स को आसिफ आए बॉल की और उमेर का एक शॉट लेग स्टंप की जानिब लेकिन वहाँ फील्डर मौजूद और दूसरे रन के लिए भी दौड़े हैं और बहुत आला रनिंग बिटवीन द विकेट दो रन हासिल किए इस वक्त 36 रन चाहिए 16 बॉलों पर बड़ी हिट पे जाना पड़ेगा आसिफ आए बॉल की उमेर का एक उठता हुआ शॉट और लेकिन हवा में है फील्डर से पहले ही बॉल गिरा और दो रन हासिल किए बहुत आला रनिंग बिटवीन द विकेट और 34 रन चाहिए नाजरीन अब 15 बॉलों पे 15 बॉलें 34 रन बड़ी हिट्स पे जाना होगा आसिफ एक दफा फिर बॉलिंग के लिए तैयार सामना करेंगे उमेर आसिफ आए एम्पायर क्रॉस किया बॉल की और बेहतरीन बॉल आसिफ की ऑफ स्टंप से बीट हुए उमेर बिल्कुल नहीं समझ पाए 14 बॉलें आसिफ सामना करेंगे शहजाद आसिफ आए बॉल की और एक और अच्छा बॉल और कॉट बिहाइंड बेहतरीन विकेट लेने में कामयाब आसिफ अपना एक्सपीरियंस दिखाते हुए एक और फायरॉक्स को बड़ा नुकसान शहजाद आउट हो गए पवेलियन में वापस और मैच इस वक्त फायरॉक्स के हाथों से जाता हुआ और शहबाज आए बॉल करने के लिए बॉल की उमेर का स्ट्रेट की जानिब शॉट फील्डर मौजूद हैं लेकिन नहीं रोक पाएंगे यकीनी 4 रन बेहतरीन शॉट उमेर की जानिब से 11 बॉलों पे 29 रन चाहिए नाजरीन अब मैच बड़े सनसनीखेज मराइल में दाखिल है बड़ी हिट्स पे जाना होगा फिर सामना करेंगे उमेर शहबाज आए बॉल की और एक और अच्छा बॉल शहबाज का ऑफ स्टंप से बीट हुए उमेर बिल्कुल नहीं समझ पाए बॉल को एक्सीलेंट बॉलिंग शहबाज की जानिब से आए एम्पायर क्रॉस किया बॉल की एक अच्छा शॉट उमेर का लेकिन एक ही रन बन सकेगा इससे कोई काम नहीं बनेगा बड़ी हिट्स पे जाना है छक्के या चौके लाजमी चाहिए होंगे शहबाज आए एम्पायर को क्रॉस किया बॉल की और बहुत ही शानदार शॉट इस वक्त यकीनी 4 रन होंगे बहुत ही अकलमंदी से हसन ने खेल दिया उसको और 4 रन हासिल किए ओवर का अख्तितम 6 बॉलें 23 रन रह गए नाजरीन अब 22 रन रह गए नाजरीन एक ओवर में आखिरी ओवर नाजरीन 6 बॉलें 22 रन आसिफ आए बॉल की आसिफ और उमेर का एक उठता हुआ शॉट लेकिन एक ही रन बन सकेगा 5 बॉलें 21 रन बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ही डाउन हो चुकी है फायरॉक्स के बैट्समैनों की जब कुछ हो सकता है आसिफ आए एम्पायर क्रॉस किया बॉल की और एक और अच्छा शॉट कयूम बहुत आला फील्डिंग कयूम की जानिब से फुल जान मार दिए नाजरीन यकीनी बाउंड्री सेफ की और मैच भी सेफ कर गए 3 बॉलों पे 19 रन हो गई है ईपीसीए एक्सपर्टीज T20 ब्लास्ट के फाइनल जीत लिया है बेहतरीन मैच और बेहतरीन परफॉर्मेंस पाक सऊदी की जानिब से तुम तो वहाँ जाओगे आमिर भाई सामान ले लो गाड़ी में से ठीक है और ये मैच इख्तिताम को पहुंचा पाक सऊदी ने फाइनल विन किया ये
सऊदी के साकिब भाई के साथ। साकिब भाई माशाल्लाह फाइनल विन कर गए हैं, कैसा इस वक्त आप फील कर रहे हैं इस वक्त? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है कि पूरी टीम एफर्ट थी, शुरू से ही जो है हमारी टीम बड़ा जलो के खेल रही थी और हर मैच में हमारे पास एक डिफरेंट स्टार आ रहा था, जिसकी वजह से हमें लग रहा था कि हमारी पूरी टीम जो है वो स्टार्स की है। हर मैच में एक नया मैन ऑफ द मैच, हर मैच में एक नया मैन ऑफ द मैच, और हमारे 11 लड़के माशाल्लाह स्टार थे और सबकी जो जॉइंट एफर्ट है आज उसके रिजल्ट है। आज की क्या स्ट्रेटजी थी इतनी अच्छा? एक अपोजिशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मायरॉक से बेहतरीन टीम है, तो क्या आपके दिमाग में था आज का जो आपने अपनी प्लानिंग को रखा आगे, उसका कुछ शेयर करें हमारे? देखिए सबसे पहले तो हम बड़ी सिंपल क्रिकेट खेलते हैं, कॉम्प्लिकेट करने की नहीं कोशिश करते चीज़ों को। गेम प्लान हमारा बड़ा सिंपल था, हम पिछले दो मैच इसी टीम से हारे थे चेस करते हुए, तो हमने डिसाइड किया था कि हम टॉस करके पहले बैटिंग करेंगे। फाइनल मैच है, बड़ा ग्राउंड है और बाउंड्रीज थोड़ा आना इसमें कम था, तो हमारी स्ट्रेटजी यही थी कि हम जितना लंबा मैच को कर सकेंगे उतना करेंगे। टारगेट हमारा 180 था, दो वीवर शॉर्ट ऑफ 10-11 रन्स, बट अल्हम्दुलिल्लाह फील्डिंग जो है वो हमारी एफर्ट बहुत मारी लोगों ने, और बॉलिंग जो है उसमें स्पेशली मैं नाम लूँगा उमैर दुरानी का और नासिर का, उनके जो 8 ओवर का स्पेल था दैट वॉज फैंटास्टिक। आसिफ के कैच के बारे में क्या कहेंगे? आसिफ का कैच बड़ा क्रूशल कैच था, की मोमेंट ऑफ द मैच, बड़ा प्लेयर था मुन्ना, उसको आउट करना बहुत ज़रूरी था मैच में आने के लिए, और एक टाइमली कैच हुआ और हम मैच में आए और अल्हम्दुलिल्लाह दिल किया। चलें आसिफ अपना, साकिब भाई बहुत मुबारक हो आपको और हमारी बेस्ट विशेज है इंशाल्लाह कि 40-40 स्टार्ट होने जा रहा है, तो सब विशेज आप अच्छी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया साकिब। थैंक यू जी। इस वक्त हम मौजूद हैं नासिर भाई के साथ, माशाल्लाह बेहतरीन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस और आज के मैच के फाइनल के मैन ऑफ द मैच। जी नासिर भाई कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा, और ज़बरदस्त आपने मैच जीता, थोड़ा हमसे शेयर करें प्लीज़। अल्लाह का शुक्र है जी, हम लोग ये तीसरा फाइनल था पिछले एक साल के अंदर, हम पहले दो फाइनल अनफॉर्चुनेटली हार गए, बहुत करीब आ गए, तो हमारा स्पिरिट था और वो यादें थी, हमने आज फाइनल जीता और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सारे अच्छा खेले और सब ने फाइट की जान मारी एंड तक, अप एंड डाउन आए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू में फायरॉक्स हावी हो गया था आपको, अच्छा खेल रहे थे उनके बैट्समैन जी, आप लोगों के जो बॉलिंग स्पेल फिर जब वो लगे तो थोड़ा सा रन रेट भी नीचे आया, विकेट्स भी डाउन की डाउन हुई। बिल्कुल जी, वो एक बहुत कंप्लीट पैकेज है उनके पास और बहुत अच्छे टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन बीच में हमने मैच को पकड़ा, बीच में मैच चला भी गया था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैच हमने पकड़ा बीच में और मैच बाद में आके हमारे हक में आया, और शुक्र इसका शुक्र है कि हम मैच जीते वाला, और सब टीम की एफर्ट है, सब ने बहुत अच्छा खेला, एक कंप्लीट टीम एफर्ट है, और आपको पता है कि हाई पाक सऊदी कोई बड़े स्टार नहीं है हमारे पास, हम एक एवरेज टीम है और एवरेज लोग हैं सारे, तो एवरेज माशाल्लाह बहुत परफॉर्मेंस देंगे, क्रिकेट किसी की नहीं है, परफॉर्मेंस पे सारा काम होता है, ये एक कंबाइन एफर्ट है, कम्बिनेशन पैकेज है हमारे पास जिसमें हम सारी वैरायटी हमने रखी हुई है, तो शुक्र है आज हम जीते और इंशाल्लाह 40 के लिए हम इसको बड़ा अच्छा देख रहे हैं कि हमारे पास जो पैकेज है टीम के अंदर बैटिंग में बॉलिंग में वैरायटी है हमारे पास और हर टाइप के हमारे पास बैट्समैन है, तो लंबा खेलने वाले भी, तो हम 40 को बड़ा अच्छा टारगेट कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह 40 में भी हम टॉप पर रहेंगे। चलें बहुत शुक्रिया नासिर भाई और इसी तरह कामयाबियाँ समेटते रहें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू नासिर। अच्छा जी, इस वक्त मौजूद हैं पाक सऊदी के टीम के बेहतरीन और समझ लें फुल सपोर्टर, मेन प्लेयर, हेड, सब कुछ आसिफ के साथ, और इस वक्त फाइनल माशाल्लाह जीत चुके हैं, तो आसिफ कैसी फीलिंग्स हैं, क्या प्लानिंग्स थी मैच की? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग फाइनल जीत गए, मेरा ख्याल है तीसरा चौथा फाइनल हम खेल रहे हैं, हम लोग फाइनल में आगे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन हमें ये बहुत खुशी है कि हम लोग फाइनल जीते हैं। हमारी प्लानिंग यही थी कि हम लोग पहले बैटिंग करेंगे, 180 के ऊपर टारगेट दे देंगे कि इंशाल्लाह बॉलिंग हमारे पास है, हम लोग जीत जाएंगे। ये विकेट जो है ये सिंगल डबल की विकेट थी, बाउंड्री वाली नहीं थी, इसलिए हम भी फंसे आखिरी ओवर में, मुझे 100% उम्मीद थी कि वो भी फंसेंगे। लेकिन आसिफ अगर देखा जाए तो जो आपका कैच था, जो हमने मुन्ने का मनान का कैच लिया, क्योंकि बहुत बड़ा बैट्समैन है, अगर वो विकेट पर रहता तो शायद आपके लिए मुश्किल होती जी। ये तो देखे क्रिकेट की हिस्ट्री है, टर्निंग पॉइंट था वो। हाँ क्रिकेट की हिस्ट्री है, कैच पकड़ेंगे तो मैच में आएंगे आप, किसी भी प्लेयर का हार्ड बॉल में पक्की विकेट पे कैच छोड़ेंगे ना तो वो आपको तबाह कर देगा, वो आपको ले जाएगा। नहीं आसिफ बेहतरीन आप लोगों ने खेल खेला, अब क्योंकि आप जिस तरीके से आए हो, बहुत टफ टीमों को आपने हराया, यानी कि इससे पहले अगर सेमीफाइनल आपका देखा जाए तो इंटेलिजेंट बॉल जो कि बहुत बड़ी साइड थी, उसके बाद फिर फायरॉक्स, वैसे बेहतरीन आप जी। अल्हम्दुलिल्लाह टीम की एफर्ट है, सब लड़के मेहनत कर रहे हैं और सब लड़के माशाल्लाह दिल से खेल रहे हैं, इसलिए हम लोगों का यूनिट बहुत अच्छा है,
बहुत खुशी है हमें, हम लोग चल रहे हैं यूनिट के साथ और ईपीसी की बहुत सपोर्ट है हमारे साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेहनतों की काविश है कि आपने आज ईपीसी का एक्सपर्टीज टी20 ब्लास्ट का फाइनल अपने नाम किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है और आप सबकी सपोर्ट है। दुआ करें हम लोग ऐसे ही खेलते रहें और हम लोग जीतते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।